और एक लॉन्ग टर्म फार्मिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैं दसना चाहना पंजाब सरकार ने एक फार्मर्स कमीशन बनाया, उस फार्मर्स कमीशन ने एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया, ये बने नू करीब 2.5 साल हो गया, लेकिन अज भी वो पंजाब एग्रीकल्चर पॉलिसी जी पंजाब विधानसभा दे विच पेश नहीं हुई और वो अज तक लागू नहीं हो सकी, उत्ते डिबेट ही नहीं हुई। सो इस करके इतों लगता वा कि सरकारां जिहड़ियां वा वह बहुत सुहिरद नहीं हैं, सिंसेयर नहीं गिया किसानां दा भला करना करन वास्ते या अपना ही भला लोगों का भला करन वास्ते, ये बहुत अफसोस की गल है। क्योंकि हुण समा खत्म हो रहा वा, मैं हुण प्रोग्राम खत्म करन दी तुहाडे तों इजाजत लूँगा। बाकी वेखदे आं कि अगले दिनों दे विच इन्हां बिलों के उत्ते की विचार चर्चा होंदी आ, इन्हां ते की एक राय बनती आ, पर मैं इत्थे दसना जरूर चाहुंदा वा कि अज पिछले करीब 12 घंटिया दे विच इंडिया दे विच बुधवार नूं किसानां ने एक मीटिंग कीती और उन्होंने फैसला किया कि जिहड़ी उन्हां दी एजिटेशन आ प्रोटेस्ट आ वो पंजाब तों बाहर एक ऑल इंडिया लैवल ते लैके जाण। उन्होंने यह भी फैसला किया कि जिहड़ियां रेल गड्डियां वा जिहड़ियां माल गड्डियां वा उन्होंने उन्होंने कहा कि वो आ जा सकनगियां, क्योंकि पंजाब नूं आर्थिक अवस्था का काफ़ी नुकसान हो रहा वा, लेकिन पैसेंजर ट्रेनस उन्होंने कहा कि वह नहीं आन देंगे। देखते हैं कि अगले दिनों दे विच पंजाब की आर्थिक अवस्था दोबारा लीते पैंदी है कि नहीं पैंदी।